इंडिविजुअल रीजनिंग और मैथ के एक नए एपिसोड के साथ मैं रवि तिवारी फिर आज आपसे जुड़ रहा हूं। हम लोग तीसरा एपिसोड करने चल रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने रैंकिंग किया था और रैंकिंग के दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे। आज हम लोग रैंकिंग के तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। यदि कल की क्लास हम लोगों देखें तो हम लोगों ने कल की क्लास में थ्री कंटेंट रिलेशन को पूरा किया था और मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को बड़ी आसानी से पढ़ा था। मैंने आपको सारे रिलेशंस बताए थे और ये भी मैंने आपको बताया था कि यह जो है पूरे रैंकिंग का आपका क्या है, बेस है। आज हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ रैंकिंग के आगे बढ़ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पोजीशन इंटरचेंज और डायगोनल रिलेशंस। हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, स्थान प्रतिस्थापन या पंक्ति में विकर्ण संबंध। ध्यान दीजिएगा, यदि हम एक टाइप क्लियर करते हैं तो हमें तीन तरह के सवाल क्लियर होते हैं। मतलब एक ही स्ट्रक्चर से हम तीन तरह के प्रश्नों को बड़ी आसानी से क्लियर कर सकते हैं। यदि आप किताबों में इस टाइप को देखते हैं तो किताबों में पंक्ति के द्वारा या लाइन खींच के आपको इस टाइप को समझाया गया है। मेरे ख्याल में ऐसा कोई कमीशन नहीं है जिसने इस टाइप से प्रश्न नहीं पूछा हो। इन तीनों ही टाइप में से एक ना एक प्रश्न प्रतिवर्ष किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर मिलता है, या हम किसी भी कमीशन का कोई एग्जाम दे रहे हो तो रैंकिंग से अगर प्रश्न बनता है तो सबसे ज्यादा संभावना जहां से प्रश्न आने की होती है वो यहां से होती है। क्योंकि जब आप परस्पर दो लाइंस को, परस्पर दो पंक्तियों को जिसमें वस्तुएं रखी हो या व्यक्ति बैठे हो कंपेयर करते हैं तो यहां पर आपको कंफ्यूजन से ज्यादा होते हैं। आज मैं बहुत आसानी से एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसी स्ट्रक्चर से आपको विद इन अ सेकंड से तीनों टाइप क्लियर करूंगा और रैंकिंग का हम लोग ये आज का जो चैप्टर है इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन कौन से टाइप इससे हमारे क्लियर होते हैं, कुल संख्या, टोटल नंबर अगर पंक्ति का निकालना हो, पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति या रखी हुई वस्तुओं की कुल संख्या, मध्य की संख्या अगर हमें निकालनी हो या नया स्थान हमें निकालना हो, तो हम तीनों ही चीजों को यहां से क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए, ये नया स्थान वो वाला नया स्थान नहीं है जो कल आपने पढ़ा था, जिसमें आपने रिलेशन लिया था a1 प्लस a2 बराबर b1 प्लस b2, है ना। इसको तो हम लोग कहते हैं 1-2-3 रिलेशन। यहां पर ये 1-2-3 रिलेशन काम नहीं करेगा, क्लियर। ये जो नया स्थान है, ये स्थान प्रतिस्थापन पोजीशन इंटरचेंज के बाद आया हुआ नया स्थान है। इसकी सवाल लैंग्वेज बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं। दोनों पंक्तियां जो होती हैं स्थान प्रतिस्थापन में, उन दोनों ही पंक्तियों के रिलेशन पर ये तीनों ही तरह की स्थितियां निर्भर करती हैं, जिनको हम लोग आज क्लियर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस सेशन की। तो देखिए, सबसे पहले दो तरह के जो व्यक्ति होते हैं, दो तरह की वस्तुएं होती है। मान लीजिए मैंने कहा कि पहला व्यक्ति है A1 और दूसरा जो व्यक्ति है वो है A2। हम इस रिलेशन को क्लियर कर रहे हैं। इन दो व्यक्तियों के तीन स्थान हम लोगों को दिए रहते हैं, तो हम एक स्ट्रक्चर बना के आपको ये स्पष्ट करते हैं कि लेफ्ट में आपको उस व्यक्ति को लिखना है जिसके पंक्ति में दोनों स्थान दे दिए गए हों। ध्यान से समझिएगा, दोनों स्थान दे दिए गए हों, मतलब लेफ्ट में हम उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हों, और स्ट्रक्चर के राइट में हम उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसका हमें नया स्थान ज्ञात करना हो, नया स्थान ज्ञात करना हो। अब ऐसा नहीं है कि प्रत्येक सवाल में इस व्यक्ति का नया स्थान ही पूछा जाएगा, या हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं जिसका हमें एक स्थान दिया हो। मतलब एक व्यक्ति जो होगा उसके दोनों स्थान दिए जाएंगे और एक व्यक्ति जो होगा उसका एक स्थान दिया जाएगा, क्लियर। तो हमें क्या करना है, एक्सट्रीम लेफ्ट में हम उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसके हमें दोनों स्थान दिए गए हो, और एक्सट्रीम राइट में हम उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसका हमें एक स्थान दिया गया हो। जैसे मान लीजिए A1 के पंक्ति में दोनों स्थान दिए गए, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट दिशा के हिसाब से। जब हम किसी कंटेंट को सामने से देखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है वो उस कंटेंट का लेफ्ट होता है, और जो हमारा राइट होता है उस कंटेंट का राइट होता है। हम किसी वाइट बोर्ड को देख रहे हो, हम किसी स्क्रीन को देख रहे हो, हम किसी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हो, हम किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ रहे हैं। जब हम व्यक्ति के सामने होते हैं तो व्यक्ति का लेफ्ट और राइट अपोजिट होता है, लेकिन जब हम किसी कंटेंट के सामने होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होता है उस कंटेंट का लेफ्ट होता है, और जो हमारा राइट होता है उस कंटेंट का राइट होता है। दुनिया की सारी भाषाएं दो भाषाओं को छोड़कर लेफ्ट से राइट की ओर ही लिखी जाती हैं और लेफ्ट से राइट की ओर ही पढ़ी जाती है। केवल मंडारिन या भंडारिन जो चाइनीज भाषा होती है और उर्दू, ये दो ऐसी भाषाएं हैं जो, उर्दू तो राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है और मंडारिन कीलागार लिपि में ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती है। तो हम यहां पर
देख रहे हैं कि लेफ्ट में हमें ऐसे दोनों व्यक्तियों को लिखने हैं जिनके दोनों स्थान दे दिए गए हों, और राइट में हम ऐसे दोनों व्यक्ति एक उस व्यक्ति को लिखेंगे जिसका एक स्थान हमें दिया गया हो और अगला स्थान हमें ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए कैसे इस स्ट्रक्चर को विकर्ण संबंध को क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि A1 का एक पंक्ति में, फिर मैं सवालों पर भी चलूंगा, पहले आप स्ट्रक्चर कर लीजिए। A1 का एक पंक्ति में प्रारंभ से 7वां स्थान था और A2 का 12वां स्थान था। सपोज कर लीजिए मैंने एक सवाल बोला, A1 का एक पंक्ति में प्रारंभ से 7वां स्थान था और A2 का 12वां स्थान था। जब यह दोनों किसी विशेष परिस्थिति में इस पंक्ति में स्थान प्रतिस्थापन करते हैं तो A1 17वें स्थान पर आ जाता है। A1 17वें स्थान पर आ जाता है तो उस पंक्ति में A2 का स्थान क्या होगा। मैंने कहा तीन तरीके के सवाल यहां पे बनते हैं, क्या पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या, पंक्ति में मध्य की संख्या और पंक्ति में व्यक्ति का नया स्थान। ये तीनों ही स्ट्रक्चर एक ही विकर्ण संबंध से आपके क्लियर होते हैं। जैसे हम यहां पर आए तो मैंने कहा A1 का प्रारंभ से 7वां स्थान था तो A2 का 12वां स्थान था। जब एक विशेष परिस्थिति में दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो A1 का स्थान 17वां हो जाता है। अब मान लीजिए वो तीनों ही सवाल मैंने आपसे पूछे जो इस स्ट्रक्चर से बनते हैं। ये स्ट्रक्चर हमें इतना दिया गया है और तीन प्रश्न पूछे गए हमसे, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, A1 और A2 के मध्य बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है और नई स्थिति में A2 का स्थान क्या है। इन तीनों ही सवालों को हम एक ही विकर्ण संबंध से क्लियर करते हैं। अब मैं विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशन बनाने चल रहा हूं, कैसे बनता है ध्यानपूर्वक आप देखिए, एक ही बार में समझ में आके तीनों सवाल क्लियर हो जाएंगे। जैसे देखिए हमें रिलेशन कैसे लेना है, हमेशा हमें लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। कैसे चलना है, लेफ्ट से राइट की ओर। बस एक एक चीज को क्लियर करते चलिए, लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। क्लियर, मतलब हम A1 से A2 की तरफ चलेंगे, मतलब हम एक ऐसे व्यक्ति से जिसके दोनों स्थान दिए गए हो ऐसे व्यक्ति की तरफ बढ़ेंगे जिसका एक स्थान दिया गया हो। हमें रिलेशन कैसे लेना है, जैसे इसका स्थान 7 था इसका स्थान 12 हो गया तो इसमें अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सर +5 का अंतर है। भाई 7 से स्थान कितना हो गया 12वां, तो मैंने कहा अंतर कितना है, तो आपने कहा सर इसमें +5 का अंतर। ध्यान से देखिए, क्लियर हुई बात। अब जो अंतर ऊपर होगा आपको डायगोनल रिलेशन बनाने के लिए उसी अंतर को नीचे भी रख देना है। अगर ऊपर +5 का अंतर है तो नीचे भी बेटा ये अंतर कितना होगा +5 का हो जाएगा, तो 17 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। मतलब डायगोनल रिलेशन क्लियर करने से ही आपका एक सवाल क्लियर हो गया कि उसका जो नया स्थान है कौन सा है 22वां। अब हम ये देखेंगे कि पंक्ति के जो हमने विकर्ण संबंध बनाए हैं वो विकर्ण संबंध हमारे सही बने हैं कि नहीं। तो देखिए विकर्ण संबंध को कैसे जानते हैं, इन दोनों ही विकर्णों का जो योगफल है उन दोनों विकर्णों का योगफल अगर बराबर होगा तो इसका मतलब ये है कि पंक्ति का विकर्ण संबंध बिल्कुल सही बना है। इन दोनों विकर्णों का योगफल देखना है तो आप बताइए, अगर हम इन दोनों विकर्णों का योगफल देखें तो 7 और 22 बराबर कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 29 हो गया, और यहां पर देखेंगे 17 और 12 कितना हुआ तो भी आप कहेंगे सर 29 हो गया। अगर 29 बराबर 29 है तो इसका मतलब यह है कि दोनों विकर्णों का योग अगर बराबर है तो पंक्ति का विकर्ण संबंध बिल्कुल सही सेट हुआ है। अब तीनों प्रश्नों के उत्तर तुरंत हमें मिल जाएंगे। अगर हमसे पहले क्या पूछा जाता है कि प्रतिस्थापन के बाद पहला सवाल जो बनता है, नई स्थिति में A2 का स्थान क्या होगा, नई स्थिति में A2 का स्थान क्या होगा, तो इस सवाल को तो बेटा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर नई स्थिति में A2 का स्थान पूछना है तो A2 का स्थान नई स्थिति में क्लियर हो गया क्या होगा 22वां, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया 22वां। दूसरा आपसे पूछा जाता है सवाल जो है, मान लीजिए दूसरे सवाल के लिए यहां पर जगह ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न जो आपसे बनता है वो क्या बनता है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। क्लियर, व्यक्तियों की संख्या। अब जरूरी नहीं है कि परीक्षा में एक तीनों सवाल एक ही साथ पूछे जाए, कोई एक सवाल लैंग्वेज में होता है या जब पजल पूछी जाती है तो तीनों सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो अगर पूछा गया पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है
तो यहां पर आप क्लियर कर लीजिए पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन। क्या करना है, पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। तो अब इसके आंसर के लिए बहुत साफ साफ हम क्या लिखेंगे बताओ, इसके लिए क्या लिखेंगे, किसी एक विकर्ण का, एक विकर्ण का, विकर्ण का ध्यान समझिए योगफल, किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन। अब देखो किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन इस सवाल के लिए है, तो अब एक विकर्ण का योगफल माइनस वन, तो या तो हम 22 और 7 को जोड़ के माइनस वन कर दें, तो या तो हम ऐसे निकाल सकते हैं 22 प्लस 7 माइनस वन, तो ये 29 माइनस वन बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, और या हम यहां पर देखें तो हम कहें 17 प्लस 12 माइनस वन, तो ये होगा 17 प्लस 12 माइनस वन बराबर भी क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। या तो हम इस विकर्ण का योगफल करके माइनस वन कर दें, तो या तो हम इस विकर्ण का योगफल करके माइनस वन कर दें। तो अगर कभी हमसे पूछा जाता है, मान लीजिए पूरा सवाल आया, तो हो सकता है उसकी लास्ट लाइन में ये लैंग्वेज हो तो पहला पूछा जाता है तब भी आपको ऐसे ही लगाना है, हो सकता है उसकी लास्ट लाइन में ये लैंग्वेज हो तब भी आपको इसी प्रकार सेट करना है। इसका उत्तर आप कैसे निकालेंगे, किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन। और तीसरा पूछा जाता है A1 और A2 के बीच में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है, क्या पूछा जाता है, पंक्ति में जैसे A1 और A2 के मध्य या इन दोनों के मध्य, A1 और A2 के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या, बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, है ना। तो A1 और A2 के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो भी हमें उसी रिलेशन से कर लेना है, क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। क्या बोलो, आसान है, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। क्लियर। अब देखिए कैसे इसको निकालेंगे, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थान का मतलब या तो हम A1 के ही दोनों स्थान ले लें और या तो हम A2 के ही दोनों स्थान ले लें और माइनस वन कर दें। जैसे हम दोनों ही से ही निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने देखा कि अगर A1 के स्थानों से निकाला तो मैं कहूंगा 17 माइनस 7 माइनस 1 तो बराबर कितना हो गया 9। या मैं कह दूं बताओ क्या, A2 के दोनों स्थानों से निकालूं तो क्या हो जाएगा बताओ, तो हो जाएगा 22 माइनस 12 माइनस 1 बराबर भी क्या हो जाएगा 9। क्लियर। तो तीनों ही सवालों के उत्तर अब देखिए इससे निकलते हैं। पहले सवाल का उत्तर अगर हम कहें नई स्थिति में बताओ क्या होगा, तो क्या होगा 22वां स्थान होगा। फिर मैंने कहा कि कुल संख्या कितनी होगी, तो किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन, तो ये 28 हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। और अगर मैंने पूछा कि इन दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका क्या होगा, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन। विकर्ण संबंध कैसे बनाना है मैं एक बार और रिपीट करता हूं, फिर मैं सवालों पर आपको ले आता हूं जो सवाल पिछले 3 वर्ष में आपसे पूछे गए हैं पोजिशन इंटरचेंज और डायगोनल रिलेशन से। मैंने सारे सवालों को यहां पर लिया है, जैसे यहां पर लिखा मैंने, क्या लिखा, सबसे पहले लेफ्ट में उस व्यक्ति को लेना है, आपको बायां दायां सवाल में कुछ नहीं देखना है, आपको सवाल की लैंग्वेज भी नहीं पढ़नी है, आपको केवल ऐसा देखना है कि ऐसा व्यक्ति कौन है जिसके दोनों स्थान दिए गए हों। लेफ्ट में आपको उस व्यक्ति को लिखना है जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हों, और राइट में आपको उस व्यक्ति को लिखना है जिसका एक स्थान आपको दिया गया हो। कुछ नहीं करना है, जो अंतर ऊपर होगा, मान लीजिए हमेशा प्लस नहीं होगा, वही अंतर नीचे होगा। कैसे चेक करेंगे कि हमारा विकर्ण संबंध सही है, यदि दोनों विकर्णों का योग बराबर है तो हमारा विकर्ण संबंध क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 3 प्रकार के प्रश्न बेटा बनते हैं, मैंने शुरुआत में ही कहा कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, कुल संख्या, मध्य की संख्या, नया स्थान, तो ये 3 प्रकार के प्रश्न इससे क्लियर होते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगा, देखिए ये हम लोगों का जो इंडिविजुअल बैच है इसमें
15 जुलाई तक आपके प्रवेश खुले होंगे। पहले तो ये चीज क्लियर है ना। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं, अच्छी बात है, जुड़ भी रहे हैं। ये हमारा बेटा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अगर इस बैच में प्रवेश चाहिए तो एंट्री एम प्लस आर लिखकर या एंट्री एम आर लिखकर भेजना है। ये बेटा नंबर है, इन नंबर्स पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक फोन करिए और हमारे जो है आप सदस्यों से बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा सर फीस ज्यादा है। देखिए आप इसको ऐसे मत काउंट करिए बेटा कि ये एक बैच है, ये एक बैच नहीं दो बैच है। मान लीजिए हम लोग एक बैच सुबह शुरू करते, सेपरेट एक बैच शाम को शुरू करते, तो अलग, तो फिर दो बैच की फीस उस तरीके से जोड़ते तो लगभग इतनी हो जाती। तो दो टीचर हैं, दो बैच है, इसलिए आपको फीस ज्यादा लग रही है। बाकी सबका ख्याल रखा जा रहा है और रखा जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। इससे पहले भी संस्था लगातार आप लोगों के लिए कार्य कर रही थी। सीटेट का बैच बिल्कुल निःशुल्क चलाया गया, आपको मालूम है ना। सीटेट का बैच निःशुल्क चलाने के बाद बीओ क्रैश कोर्स जो चलाया गया इस पेंडेमिक में, तो उसकी फीस भी 499 रखी गई और 999 रखी गई। तो कभी कभी संस्था को भी साधनों संसाधनों की जरूरत होती है, उस हिसाब से संस्था फीस तय करती है। तो विनम्र अनुरोध है फीस पर बहुत दुखी ना हो, संस्था बहुत ध्यान दे के बेटा बहुत जरूरतों के हिसाब से फीस तय करती है। और ये एक बैच नहीं दो बैच है, इंडिविजुअल रीजनिंग और इंडिविजुअल मैथ कॉम्बो बैच है, उस हिसाब से इसका फीस संस्था ने रखा है। तो ये सारी डिटेल्स हैं, डिटेल्स बार बार आते रहते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी चलते रहते हैं, आप इन चीजों को देख सकते हैं। आइए हम लोग अपनी बात पर आए। बाकी जो पुराने छात्र हैं वो नए छात्रों के लिए एक मार्ग स्थापित कर सकते हैं। पुराने छात्र अपने रिव्यूज और फीडबैक जरूर देते रहे ताकि नए लोग निर्णय ले सके। आइए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अब अगर मान लीजिए सवालों पर हम लोग इस चीज को देखें, तो सवालों पर हम लोग इस चीज को कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे ये सवाल है। अब तड़ातड़ देखिए आपको समझ में आ गया, खटाखट हम लोग सवाल लगाते हैं। चलिए अब जैसे हम लोगों ने सवाल को पढ़ा, बहुत समय नहीं लेना है पेपर में, आप सेकंड्स में सवाल करने हैं, तो सवाल की लास्ट लाइन क्या है, देखो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी। अब कुल संख्या हमें निकाल ली है। सबसे पहले इसमें ऐसा नाम देखिए जिसके दोनों स्थान दिए गए हों। चलिए एक तो देखो जूही है, चलिए ठीक है, और दूसरा क्या है राखी है, अच्छी बात है। फिर अदूर बदल दें तो बाईं ओर से फिर जूही, मतलब जूही के दोनों स्थान दिए गए हैं। बिना सोचे समझे सबसे पहले आप इस तरफ किसको लिखिए जूही को, और एक तरफ किसको लिख दीजिए राखी को, और बेटा तुरंत विकर्ण संबंध बना दीजिए, लेट मत करिए। जूही का पहला स्थान क्या था बताओ, 12वां। जब इसका स्थान 12वां था तो राखी का क्या था, 20वां, लिख दिया। अब बताओ जूही का दूसरा स्थान कितना हो गया बताओ, 22वां। बाएं दाएं दिशाओं को आपको देखना ही नहीं है विकर्ण संबंध में, सीधे सीधे आपको सवालों पर आना है। दिशाओं को देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप लाइन नहीं खींच रहे हैं, आप सवालों पर आइए, उत्तर आपका बिल्कुल सही आएगा। अब देखिए अगर ये 12 है, अब हम अपना रिलेशन बनाएं, तो बाएं से दाएं की ओर जब चले, मतलब जिसके दोनों स्थान दिए गए हैं उससे उस स्थान की ओर चलना है जिसका एक स्थान दिया गया हो, तो आप बताइए इस कंडीशन में अगर हम यहां पे चल रहे हैं तो हमारा क्या नेचर हो रहा है 12 से 20 की ओर। तो आपने कहा सर +8 है, तो अगर ऊपर +8 है बेटा तो नीचे भी +8 कर दीजिए। तो 22 में जब 8 हुआ तो कितना हो गया बताओ, 30। अब ये देख लीजिए कि विकर्ण संबंध सही है कि नहीं है। तो विकर्ण संबंध की जांच कैसे करते हैं, यदि दोनों विकर्णों का योग बराबर है तो विकर्ण संबंध सही होगा। तुरंत चेक करिए बेटा, 12 और 30 को जब जोड़ा तो कितना हो गया बताओ, 8, और 22 और 20 को जब जोड़ा तो कितना हो गया, 42। 12 और 30 42, 22 और 20 42, 42 बराबर 42, इसका मतलब है ये विकर्ण संबंध हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। विकर्ण संबंध हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब तीनों उत्तर हम निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए कुल व्यक्तियों की संख्या, तो किसी एक विकर्ण का योगफल माइनस वन, तो 30 और 12 42 माइनस वन बराबर कितना होगा, 41। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर मैं कहता मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या, किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन, 30 में से 20 गया 10 और 10 माइनस वन बराबर 9, तो ये क्या हो जाता, 9। नया स्थान आपको दिख ही रहा है कितना हो गया, 30। एक ही तरीके के स्ट्रक्चर में तीनों सवाल आपके क्रिस्टल क्लियर हो गए। क्लियर हुई बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो क्लियर हुआ, अब तीनों सवालों के उत्तर आपको मुझे देना है। चलिए एक और सवाल है, आइए
अब जल्दी से बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तेजी से उत्तर करिए। आप सभी लोगों से मैं उत्तर की चेष्टा करता हूं कि आप सभी लोग उत्तर करेंगे। मैं नीचे आपके नाम भी पढ़ रहा हूं और उत्तर भी देख रहा हूं, भले मैं इस समय लाइव नहीं हूं, लेकिन आप उत्तर करिए, सभी लोग उत्तर करिए। देखिए अब सबसे पहले दोनों नाम देखिए। हाँ देखो कमल है, चलिए ऐसे चेक किया करिए, ठीक है, और श्याम है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे चेक करना है। फिर तीसरा क्या है, कमल है ना। अब देखो अब हाँ ये देखो कमल, तो एक स्थान ये दिया गया है, एक स्थान ये दिया गया है, एक स्थान ये दिया गया है, मतलब दोनों स्थान किसके दिए गए हैं, तो आप कहेंगे सर दोनों स्थान दिए गए हैं कमल के और ये क्या है श्याम। कुछ ना करिए, तुरंत कैलकुलेशन करिए। कमल का स्थान क्या था बताओ 12, जब कमल का स्थान 12 था तो श्याम का स्थान क्या था बताओ 18। चलिए फिर कमल का स्थान क्या हो गया 25। अब देखो 12 प्लस 6 बराबर 18, तो 25 प्लस 6 बराबर 31, जो परिवर्तन ऊपर वही परिवर्तन नीचे। अब सेकंड्स में करिए, 31 और 12 43 और 25 और 18 43 और किसी एक विकर्ण का योग माइनस 1, तो हम कहेंगे 25 प्लस 18 ओरल हो गया माइनस 1 बराबर क्या हो गया 42। आपसे पूछा गया कुल छात्रों की संख्या, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी। क्लियर हुई बात, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए 42 हो जाएगी। क्लियर हुई बात, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब देखो अब आप हमें इस स्थिति में तीनों नाम तीनों स्थान बता दीजिए, हमें तीनों सवालों का उत्तर आप लोग दे दीजिए। मैं एक का नहीं मांग रहा हूं है ना, नया स्थान नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं किसका तीनों बता दीजिए। क्लियर, जैसे मोहन, चलिए मोहन 10 स्थान पर है और सोहन 25 पर है, चलिए मोहन और सोहन दोनों दिया गया है। अब नीचे देखिए मोहन और सोहन स्थान परिवर्तन करते हैं, तो मोहन अब दोनों स्थान किसके दिए गए हैं मोहन के। अब जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस हो, चलिए हो रहा है एक अच्छी बात है, लेकिन माइनस भी होता है। तो मोहन का स्थान कौन सा था 10वां, तो सोहन का स्थान उसके सापेक्ष क्या था 25वां। अब मोहन का स्थान क्या हो गया बताओ 22वां, यहां क्वेश्चन मार्क है, 10 से 25 की तरफ चले प्लस 15, तुरंत यहां पे प्लस 15 कर दीजिए। अब बताओ 22 में 15 जोड़ा तो कितना हो गया 37 है ना, हो गया कि नहीं। तो इसका मतलब है इसका जो उत्तर पूछा गया है वो तो 37 आ गया, ये सवाल तो सेकंड्स में खत्म हो गया। अगर आपको सब कुछ बताना हो तो नया स्थान 37 हो गया। अब देखो 47 बराबर 47 बराबर है 37, 10 47 किसी एक विकर्ण का योग माइनस 1, 47 माइनस 1 बराबर 46, 46 कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। और अगर मैं बेटा आपसे पूछ लूं कि मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या है सोहन और मोहन के, तो किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस 1, तो 22 में से 10 चला गया 12 बचा और 12 में से 1 गया 11 बचा। क्लियर हुई बात, अब आसान हो गया, ये तो प्लस वाले फॉर्मेट के थे। कभी कभी क्या होता है ऋणात्मक मान भी आते हैं, उसको भी एक कर लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जैसे मान लीजिए, चलिए ठीक है, चलिए अब जैसे देखिए ये सवाल है, अब इसमें देखिए राम दिया गया है और फिर मोहन दिया गया है और फिर मोहन दिया गया है। तो देखो बेटा मोहन के दोनों स्थान दे दिएगा, तो मोहन को पहले ले लीजिए और फिर यहां राम को ले लीजिए, आसानी से विकर्ण संबंध हो गए। अब देखो मोहन का क्या था 27, तो राम का क्या था 17, अब देखो माइनस वाला आ गया। अब फिर मोहन का क्या था 14, अब 27 रुपए आपके पास थे और 17 रुपए हो गए। लेफ्ट में उस व्यक्ति के नाम को लिखना है जिसके दोनों स्थान दे दिए गए हो और राइट में उस व्यक्ति के नाम को लिखना है जिसका एक स्थान केवल आपको दिया गया हो, और लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। 27 रुपए आपके पास थे और 17 रुपए हो गए, कितने रुपए का अंतर हुआ 10, जितना अंतर बेटा ऊपर हुआ उतना ही परिवर्तन नीचे, 14 में से 10 बचेगा कितना बताओ 4। क्लियर, अब यहां पर देखो 27 4 31 और 14 और 17 31, अगर आपने सही फॉर्मेट को यूज किया है रीजनिंग में, कभी भी आपका डायगोनल रिलेशंस गलत नहीं होगा। पंक्ति से ये सवाल लगाने बहुत कठिन होते हैं, कोशिश करिएगा पंक्ति से ये सवाल ना लगाएं। क्लियर, अब यहां पर देखिए 14 17 31 27 4 31, तो आपसे पूछा तीनों सवाल गया है, नई स्थिति में राम का अंत से स्थान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलो दूसरे उत्तर निकाल दीजिए। 27 4 31 किसी एक विकर्ण का योग माइनस 1 बराबर कुल संख्या, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। मध्य में बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी,
किसी एक व्यक्ति के दोनों स्थानों का अंतर माइनस वन, 27 माइनस 14 माइनस वन, तो बताओ ये 13 और कितना हो जाएगा 12। तो एक उत्तर आपका 30 है, एक उत्तर 12 है और एक उत्तर 4 है। इसके तीनों उत्तर देख लीजिए, 30, 12 दो उत्तर और होंगे। अगले में क्या पूछा गया है बताओ, सेम सवाल है, वही सवाल, इसका उत्तर बताओ इनके बीच में कुल कितने लोग हैं 12, और कुल संख्या अगर पूछी जाएगी तो कुल संख्या हम लोगों की कितनी हो जाएगी बताइए, 30 हो जाएगी। चौथा ही सवाल पूछ चल रहा है, अगर कुल संख्या पूछी गई तो कुल संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। क्लियर? तो इस तरीके से ये विकर्ण संबंध अब कभी भी अगर आएगा, एक ही तरीके के सवाल है तो कभी भी ये दीजिए आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे एक और सवाल यहाँ पे दिया गया है एक पंक्ति में आरंभ से, अब जैसे ये सवाल आपसे लोअर पीसीएस में पूछा गया था, चलो इसको और कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। सीता 14वें स्थान पर है, ठीक है, और गीता 10वें स्थान पर है। जब दोनों आपस में स्थान परिवर्तन करते तो गीता का दिया गया है, तो इसका मतलब गीता के दोनों स्थान दिए गए हैं और सीता का नया स्थान निकालना है। चलिए, तो गीता का स्थान कितना था 10, तो ये क्या था 14, ठीक है। फिर गीता का क्या हो गया 8, अब 10 प्लस 4, तो 8 प्लस 4 बराबर क्या होगा 12, 12 10 22, 14 8 22, क्लियर, सब कुछ आ जाएगा, है ना। नई स्थिति में स्थान कितना हो जाएगा बताओ 12 हो जाएगा, क्लियर है। अब मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी रैंकिंग में आप लोगों का ये जो सवाल है पोजीशन इंटरचेंज और डायगोनल रिलेशन, ये गलत नहीं होगा, ये सवाल गलत नहीं होगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि जो ये तीनों प्रकार के सवाल आपके यहां बनते हैं वो तीनों प्रकार के सवाल यहां पर आपके क्लियर हो जाएंगे, इन तीनों ही टाइप में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्लियर हुई बात? चलिए, तो ये एपिसोड कैसा लगा आपको जरूर लिखिएगा, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मैं आपसे बहुत स्नेह करता हूँ, इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा, इसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, है ना। आप संस्था को खूब सपोर्ट किए रहिए, खूब स्नेह दीजिए, खूब अपने सुझाव दीजिए, मैं हमेशा आपको इसी तरह पब्लिक दिखता रहता हूँ, आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। जल्दी मैं करंट अफेयर्स के साथ भी हूँगा, जो लेखपाल वाले बच्चे हैं उनके लिए ग्रामीण विकास के साथ भी जल्दी ही मिलूँगा। मुझे सबकी चिंता है, फिलहाल संस्था ने जो आदेश दिया है उन आदेशों का पालन कर रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी संस्था होती है, संस्था से बड़ा कुछ नहीं होता है। समय समय पर यह पूरा जीवन आपके लिए है, सर्वस्व आपके लिए है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे बाद संदीप सर की क्लास होगी, जबरदस्त गणित का आप आनंद लीजिए। इंडिविजुअल मैथ और रीजनिंग बैच में प्रवेश चल रहे हैं, मैंने स्लाइड भी दिखाई, स्लाइड थोड़ी देर बाद आएगी, उस पर नंबर भी दिए गए हैं, नीचे भी डिस्क्रिप्शन पर नंबर चल रहे हैं। 15 जुलाई तक प्रवेश खुले हैं, 16 जुलाई से हम लोग धुआंधार क्लास करेंगे, 1.5 घंटे की लाइव क्लास। जीवन में मैथ रीजनिंग में किसी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से इतना ही, लव यू ऑल, टेक केयर। इंडिविजुअल मैथ्स एंड रीजनिंग के कम्बो इस बैच में मैथ्स के आज के लेक्चर की शुरुआत कल के एक प्रश्न से करते हैं। जिस प्रश्न में दिया हुआ है कि कोई धन 34/2/7% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 21,200 रुपए हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अगर उसको हम इंग्लिश में रीड करें तो गिवेन अ सम ऑफ मनी बिकम्स 21,200 इन द हाफ एंड वन एंड हाफ ईयर्स एट 34/2/7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम। इस क्वेश्चन को हम बड़े आसानी से रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह साधारण ब्याज का प्रश्न है। इसमें अगर हमारी सिचुएशन को देखा जाए तो मेरे पास एक निवेश, एक प्रिंसिपल रहा होगा, जिसको अगर हमने 1/2 वर्ष मतलब 3/2 वर्ष के लिए अगर हमने निवेशित किया हो तो किस दर से निवेशित किया था आपने, 34/2/7% की दर से निवेशित किया था, तो यह पैसा आपका 21,200 रुपए बन गया। मतलब आपका जो अमाउंट है, जिस अमाउंट को हम तब प्राप्त करते हैं जब हम प्रिंसिपल में एसआई को जोड़ देते हैं। कल इस प्रश्न में यहाँ पर डिजिट की मिस्टेक थी जिसकी वजह से आंसर आपका गलत आया था, हालांकि जिस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर बताना चाहते थे तो उसमें हम सफल थे और उसने प्रॉपरली आपने चीजों को समझा था। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य ये है हमारा कि हम इस तरह के कॉम्बिनेशन को कैसे ईजी करें, कैसे हम सॉर्ट आउट करें कि हम अपने आंसर को प्रॉपरली दे पाए, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर मैं जब भी ब्याज की बात करूंगा, चाहे आज मैं साधारण की बजाय चक्रवृद्धि भी पढ़ाऊंगा, तब भी मैं ब्याज को वृद्धि ही कहूंगा, और वृद्धि के आधार पर मैं लेकर चलूंगा, तो इसको नया चैप्टर नहीं मान करके हम पुराने पर ही रिलेट करेंगे और पुरानी चीजों को हम लोग यहाँ पर मैक्सिमम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर क्या प्रोसीजर है, क्या क्राइटेरिया है, बिना किसी फार्मूले के हम किस इस प्रश्न को कैसे हल कर पाते हैं। सबसे पहली चीज, हमारे पास हमको प्रिंसिपल नहीं पता है। इस प्रिंसिपल को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो जो गिवन टर्म है वो है समय दिया है,
और हमारे पास दर दी गई है और हमको अमाउंट दिया गया है, जो अमाउंट तब प्राप्त होता है जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ देते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा ये था कि हम इस दर को प्रॉपरली मेंटेन करें, इसको अच्छे से रीड करें, तभी जाकर के प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अभी 34.2/7% को ऐसे आराम से ऐसे लेकर चलना इतना आसान नहीं होता है। 34.2/7 को इस तरह से रीड कर पाना इतना ईजी नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको किया जा सकता है। इसको आप दो पार्ट में, दो खंडों में ब्रेक कर दें। अगर मैं इसको 20% अलग कर दूं और 14.2/7% को मैं अलग कर दूं, 20% का जो भिन्न रूप होता है, अगर आपको मैंने पिछली क्लास में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी कि कभी भी प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना और भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वह एक बहुत बड़ा हमारे लिए जो है रोल भी प्ले करता है पूरी मैथमेटिक्स में, चीजों को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत ही आसानी से प्रश्नों को हल करने में हमारी हेल्प करता है। 20% को अगर हम 20/100 लिखें तो इसको हम 1/5 कह सकते हैं, जबकि 14.2/7 को हम 100/7% कहेंगे, जो कि वास्तव में 1/7 हो जाता है। जब इन दोनों को जोड़ा हमने तो 12/35 आया। मतलब अगर कोई हमको इस तरह के कभी भी भिन्न दे, जो कि परसेंटेज में दिया हुआ था ऑलरेडी 34.2/7%, जिसको मैं 12/35 लिख सकता हूँ। मतलब इस भिन्न को देख करके आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर 35 रुपए का प्रिंसिपल है, मतलब मूलधन है, तो उस पर एक साल में 12 रुपए का ब्याज मिलेगा। बट समय कितना है बताएं, 3/2 ईयर है, मतलब 1/2 वर्ष है, 3/2 साल है, मतलब 1.5 साल का वक्त है। तो अगर हम एक साल में इतना पा रहे हैं तो 3/2 साल में हमारा जो इंक्रीमेंट होगा, जो वृद्धि होगी, वह 12/35 × 3/2 होगी। अब आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा रीड करें तो यहाँ पर हम इससे इसको डिवाइड कर दे, 2 × 3 = 6 हो जाता है, यहाँ पर 2 × 6 = 12 हो जाता है, और 6 × 3 = 18/35 हो गया, 18/35 हो गया। अब चाहते तो आप 18/35 भी ना लिख करके इसको पहले भी सॉल्व कर सकते थे प्रॉपरली, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जा सकता है। अब इस समय इसको हम रीड कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए, यह आपका मूलधन है, यह आपका ब्याज है, यह मूलधन है और यह ब्याज होता है, हमेशा मैंने पिछली क्लास को भी अगर रिलेट करोगे तो ऐसे ही मैंने पढ़ाया है। यह 35 आपका मूलधन रहेगा, 18 आपका ब्याज रहेगा। 35 में अगर 18 को हम जोड़ दें तो हमारा अमाउंट हो जाएगा, जो कि आपका 8, 5, 13, 3, 1, 4, 1, 5, 53 हमारा अमाउंट हो गया। जो अमाउंट इसके समतुल्य होगा, मतलब 53 का मान हम कह सकते हैं कि 21,200 के बराबर है। तो 1 का मान यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 400 हो जाएगा, 53 × 4 = 212 होता है, और मुझे मूलधन ज्ञात करना है जो कि इस समय 35 है, तो 35 का मान कितना होगा। आप 35 को 400 से गुणा कर दें, 4×5 = 20 होता है, 4×3 = 12 = 14 होता है, 14,000 कहीं दिख रहा है, तो वही इस प्रश्न का सही आंसर है और हम करेक्टली यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। आपने प्रोसेस देखा, मेरा यहाँ पर साधारण ब्याज बताने का उद्देश्य नहीं था, मेरा इस तरह की क्रिटिकलिटी को इजी करने का कॉन्सेप्ट था, इजी करने का आधार था। आपने इस प्रश्न को प्रॉपरली रीड किया, जो कल की कंफ्यूजन है होपफुली आपकी क्लियर हो गई होगी, दूर हो गई होगी, सभी कंफ्यूजन दूर हो जाए इसलिए ऐसा ही एक प्रश्न और हमारे पास है, जिसको भी आप लोग अगर चाहेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग प्रॉपरली इस तरह के प्रश्नों को भी कर सकते हैं। अब आप देखिए, आपके पास फिर से एक प्रश्न है, पूरी रीडिंग अगर हमने किया तो हमारे सामने सिचुएशन है, किसी धन को अगर 18.4/7% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष में हम निवेश करते हैं तो यह 5200 रुपए का साधारण ब्याज हमको देता है, मतलब इससे हमको 5200 का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। हमें वह धनराशि ज्ञात करनी है। अंग्रेजी मीडियम वाले अगर देखेंगे, सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड फॉर द 2 whole 1/2 years एट 18.4/7% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट गिव द 50 to 100 एट द इंटरेस्ट, फाइंड द सम, वह हमें धन ज्ञात करना है। यहां भी अगर देखा जाए तो हमको प्रिंसिपल पता करना है, प्रिंसिपल हमारे पास अनोन है, ब्याज की दर जो दिया है वो 18.4/7% दिया है, जो कि बहुत ही आसानी से सोचा जा सकता है, और 2.1/2 वर्ष का हमको समय दिया है, जो कि आप इसको 5/2 साल भी कह सकते हैं। अब देखिए, हमारी जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए एक सबसे बड़ा आधार जो हमको प्रिंसिपल इंटरेस्ट दिया है, दैट इज 50 to 100, दैट इज योर SI। अब देखिए, इन सारे टर्म का यूज करके हम कितने आसानी से प्रिंसिपल को ज्ञात करेंगे। इसमें जो सबसे बड़ी हमारी इंटरप्शन है, सबसे बड़ी बाधा या दर है, ये अगर इतना क्रिटिकल ना होता तो सोचना बड़ा आसान था, हालांकि ये बहुत टफ नहीं है। जैसे कि आप ऐसे समझिए, 18.4/7 को मैंने ऐसे 2 खंडों में ब्रेक कर दिया, एक तो मैंने लिख दिया 28.4/7 और एक मैंने लिख दिया 10, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10%। तो मतलब 18 में से अगर हम 10% घटा दें, सॉरी 28.4/7 में से अगर हम 10% घटा दें तो आपको 18.4/7% हो जाएगा। 28 में से 10 घटा दे तो 18 हो गया, 4/7 हो गया।
अब अगर हमने इसको जब सॉल्व किया, देखिए क्या स्थिति बनकर हमारे सामने आ रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले, जैसे पिछले प्रश्न में आपने 14 सही 2/7 को लिखा था 1/7, इस परसेंटेज को आपने 1/7 लिखा था। अब आप थोड़ा सा अपने प्रश्न को रिलेट करें, 14 का दूना कितना हुआ 28 और 2 का डबल कितना होता है 4, मतलब ये जस्ट डबल है। तो इसका मतलब अगर यह 1/7 है तो इसको भी 2/7 होना चाहिए। और 10% सबके लिए आसान है, 10/100 मतलब 1/10 लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें से इसका घटाव हुआ है, इसलिए मैं 2/7 से 1/10 घटा दूं तो 10 × 20 और 20 में से 7 निकलेगा तो 13/70 हो जाएगा। अब यह 13/70 एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस 18 सही 4/7% का भिन्न मान है, भिन्न स्वरूप है 13/70। 13/70 को ही ज्ञात करना अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा चैलेंज था कितने समय में। अब देखिए यहां पर इसको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि 70 रुपए के मूलधन पर 13 रुपए का ब्याज एक साल में हमको प्राप्त हो रहा है, बट यहां पर समय कितना है 5/2, तो इसको मैंने अगर 5/2 से गुणा कर दिया, 5 से इसको डिवाइड कर दे 14, तो आप इसको 13/28 कह सकते हैं। अगर हमने समय को भी इन्वॉल्व कर दिया तो यह 13/28 हो गया। इसको देख करके कोई भी कह सकता है कि 28 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो 13 रुपए का यहाँ पर ब्याज है। जो ब्याज यहाँ पर देखा गया तो 5200 रुपए मतलब 5200 के इक्वल था, तो हम उस 13 की तुलना यहाँ पर हम 5200 से कर देंगे। 13 की तुलना 5200 से करके हम 28 का मान निकालने के लिए सोचेंगे क्या हो जाएगा, 13 से इसको डिवाइड कर दिया तो 400 हो गया। 400 को 28 से गुणा करें 2 × 4 = 32 होता है, 4 × 2 = 8, आपके पास कितना हो जाए 8 × 3 = 11 हो जाएगा। 11200 जो कि आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, इस प्रश्न का सही आंसर है। आपके सामने आपकी सारी चीज देखिए, यहाँ साधारण ब्याज में नहीं था, यहाँ इस प्रकार के जो भिन्न के प्रोसीजर थे, जो क्रिटिकलिटी थी, वह आपकी बड़ी चैलेंज थी। तो होपफुली आपने इस चीज को समझा कि कैसे अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हम लोग एग्जाम में फेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अभी तक हमने साधारण ब्याज पढ़ा है, अब हम थोड़ा सा आज डिस्कशन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज को मैं 2 डमी क्लासेस में आपको समझाऊंगा। पहले दिन मैं इसका इंट्रोडक्शन, जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दूसरे दिन इस पर संबंधित एक प्रश्न सीट मैं आपको बेहतरीन, जिसमें एक रिलेटेड मतलब कई स्तरीय प्रश्न होंगे, लेवल्ड क्वेश्चन होंगे, वह मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो इस तरह से मैं 2 सेशन में, 2 पार्ट में मैं इस पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को मतलब काफी हद तक मैं आपको कवर कराऊंगा। पहले दिन भी एक सेशन रहेगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट पहलू हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरे दिन कुछ लेबल्ड क्वेश्चन रहेंगे जो भी एक सीक्वेंस या सीरीज पे ही बेस्ड होंगे, उसको मैं कवर कराऊंगा। चक्रवृद्धि ब्याज को अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझते हैं कि यह भी ब्याज ही है, मतलब यह भी इंक्रीमेंट है, यह भी वृद्धि ही है, लेकिन इस वृद्धि को हम एक से ज्यादा बार कंसीडर करते हैं क्योंकि वह वृद्धि कंटिन्यूड चलती है, इसलिए यहाँ पर वृद्धि पर वृद्धि है, इसलिए इसको हम सतत वृद्धि कह सकते हैं। अगर हिंदी में आप पढ़ते हैं तो सतत वृद्धि, या अंग्रेजी में आप इसको कंटिन्यूड इंक्रीमेंट कह सकते हैं। जैसे जब हम साधारण में होते हैं, देखिएगा ध्यान से, जब हम साधारण में होते हैं तो हमको ओनली ब्याज प्राप्त होता है, हमको केवल क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। लेकिन हम जब चक्रवृद्धि में होते हैं तो चक्रवृद्धि में हमको ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है, बस इतना सा ही डिफिनीशन है इसका, ब्याज पर ब्याज प्राप्त होता है। अब आपने एक चीज नोटिस किया कि जब भी हम साधारण में थे तो हम प्रतिवर्ष समान ब्याज लेके चलते थे, हम प्रतिवर्ष क्या करते थे, समान ब्याज लेके चलते थे। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए अगर ब्याज की दर 10% थी वार्षिक, तो अगर एक साल का ब्याज है तो 10% काम करेगा, 2 साल का ब्याज होगा तो 20% काम करेगा, 3 साल का ब्याज होगा तो 30% काम करेगा। लेकिन अगर यही चीज चक्रवृद्धि है तो 10% तो रहेगा ही, साथ साथ दूसरे साल इस 10% में इसका फिर से 10% ऐड होगा, मतलब ब्याज पर ब्याज आएगा, इसलिए इसी को हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। कुछ इसके फैक्ट हैं, मैं आपको आपके सामने ओपन कर देता हूं कि अगर मैं साधारण ब्याज जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कह रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम लोग यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कह रहे हैं, अगर हम दोनों की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अभी मैंने जो लाइन आपको, जो फैक्ट आपके सामने ओपन किया, मैंने कहा यह प्रतिवर्ष समान रहेगा, प्रतिवर्ष समान रहेगा, जबकि यह प्रतिवर्ष बढ़ता रहेगा, यह प्रतिवर्ष आपका क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। दूसरी चीज, पहले साल का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें, पहले कन्वर्जन पीरियड के लिए बात करें, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपके क्या रहेंगे, समान रहेंगे।
अब आपको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से चीजों को शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं पूरे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा क्या प्रोसेस होता है। जैसे आपने साधारण ब्याज में नोटिस किया कि एक समय के बाद जब ब्याज मिल जाता है तो उस ब्याज को हम एज इट इज मान करके अपने पुराने प्रिंसिपल को ही लेके कंटिन्यू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको जब ब्याज प्राप्त होता है आफ्टर काउंटिंग, उसके बाद हमें ब्याज पर ब्याज मतलब अगले साल उस ब्याज को हम अपने पुराने प्रिंसिपल में जोड़ करके नया प्रिंसिपल बना लेते हैं और उस पर ब्याज निकालते हैं, मतलब इंक्रीमेंट पर भी इंक्रीमेंट करते हैं। इसलिए इसी को तो कंटिन्यूड इंक्रीमेंट बोला जाता है। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का मतलब हम आपको बता दो, जो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो कई बिहाफ पर होता है। जैसे कैलकुलेशन हमारा एनुअली होता है, मतलब वार्षिक होता है, जिसको एनुअली हम कहते हैं। हाफ ईयरली होता है, मतलब छमाही भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, हाफ ईयरली होता है। साथ साथ तिमाही भी होता है, मतलब क्वार्टरली भी होता है। मतलब जब भी हम लोग ऐसे समझ लें कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, हम एक साल के बाद भी कैलकुलेशन करके ब्याज देते हैं, हम 6-6 महीने पर भी कैलकुलेशन करके ब्याज देते हैं, हम 3-3 महीने पर भी कैलकुलेशन करके ब्याज देते हैं, तो ब्याज की काउंटिंग हम लोग छमाही, वार्षिक, तिमाही, साथ साथ हम मासिक भी करते हैं। लेकिन मासिक के प्रश्न हमारे यहाँ बड़े लिमिटेड होते हैं, इसलिए मासिक को उतना रीड नहीं किया जाता है। बस दिमाग में लेकर रखिएगा, ये सब कैलकुलेशन परफॉर्म किए जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के दौरान। इसमें भी उसी तरह से मूलधन होगा, यहाँ पर भी उसी टाइप से प्रिंसिपल होगा, यहाँ भी दर अपनी होगी जो आर परसेंट पर एनम ही होगी, मतलब वार्षिक ही लिखी रहेगी। यहाँ पर भी अपना एक निर्धारित समय रहेगा, टाइम पीरियड होगा, जो कि यन लिखा जाता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर इस ब्याज को कैलकुलेट करने जाएं, जो कि चक्रवृद्धि है, इसको कैलकुलेट करने का कई प्रोसेस है। सबसे ज़्यादा लोग एक्सपेरिमेंट चक्रवृद्धि ब्याज में ही करते हैं, लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट भी नहीं करने की ज़रूरत है। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ बेसिक तरीके, कुछ ऐसे ही अप्रोच पढ़ें कि कॉन्सेप्ट क्लियर पहले हो, उसके बाद हम तरीकों को अप्लाई करके जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसको हम जब निकालते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको साधारण ब्याज की हेल्प से ही चीज़ें बताता हूँ। फिर ये जो फार्मूला है उसकी बात हम लोग करते हैं। फार्मूले का यूज हम लोग समझाएंगे बस केवल ऐसे जनरल बिहाफ पे, जैसे मैंने कल आपको साधारण के लिए बताया था, उसके बाद मुझे जो करना है मैं आपको बताता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज के बाद आपको अमाउंट प्राप्त होगा, जो कि आपका पी प्लस सी आई होगा। एक फार्मूला इस अमाउंट के लिए लोग बनाते हैं, जो कि सीधा साधा इंक्रीमेंट के लिए अप्लाइड होता है, कि अमाउंट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power n। ये फार्मूला लगाया जाता है, लेकिन इस फार्मूले की भी बहुत जरूरत नहीं है। हाँ, अगर लेकिन अभी तो यह मिश्रधन है, मतलब जो मूलधन में ब्याज को ऐड करने पर प्राप्त हुआ है। अगर हाँ मुझे यहीं से चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात करना होता तो हम लिख देते, भाई देखिए आपने क्या लिखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट, देन आफ्टर व्हाट अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट विल बी द अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। मतलब हम अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी 1 + R/100 to the power n - p। अब अगर मैं p कॉमन कर लेता हूं तो 1 + R/100 to the power n - 1, यह आपका क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, जो कि हम लोग फार्मूले का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। लेकिन हम सब कभी भी अपनी पूरी अर्थमेटिक में जब भी हम लोग कंपटीशन के बिहाव पर पढ़ते हैं तो फार्मूले का प्रयोग नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट अब थोड़ा सा 5 मिनट का समय निकाल करके आप लोग प्रॉपरली समझना कि जैसे मान लीजिए मेरे पास मूलधन पी आपका 10,000 रुपये है, ब्याज की दर सपोज करिए एक सिंपल सा डिजिट लेते हैं जिससे कि चीजें समझ में आ जाए, 10% पर एनम दी गई है, समय मान लीजिए हमारा 2 साल का दिया गया है। इस दौरान अगर मुझसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया कि व्हाट अबाउट द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए हम कैसे निकाल पाते हैं। इसको निकालने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कई है। जैसे कि अगर मुझे मान लीजिए साधारण ब्याज के बिहाफ पर, मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट को हम प्रॉपरली समझे, जिससे कि हम कॉन्सेप्ट को पहले समझें, तब हम जाकर चीजें रिलेट कर पाए। एक टेबल के माध्यम से आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। एक टेबल हम यहाँ पर लेते हैं, उस टेबल में हम सबसे पहले पीरियड लिखते हैं, पीरियड के बाद हम प्रिंसिपल लिखेंगे, हम यहाँ पर रेट लिखते हैं, हम यहाँ पर टाइम लिखते हैं, हम लोग यहाँ पर SI लिखते हैं और यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, सब बातें समझ में आ जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम इस प्रोसीजर को इतने लॉन्ग वे में आपको समझा रहे हैं जिससे कि पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, देन आफ्टर हम कैलकुलेशन तो बहुत आसान तरह से कर पाएंगे।
हमने पीरियड वन मतलब फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट किया, और फर्स्ट टाइम कैलकुलेशन स्टार्ट करने पर मैंने देखा कि मूलधन मेरा 10,000 हमको दिया गया था, ब्याज की दर 10% वार्षिक दी गई थी, और उसके बाद समय पहले साल की बात मतलब पहले पीरियड की बात की जा रही है, तो हम 10% 10,000 पर अप्लाई करेंगे, और 10% अप्लाई करना बहुत आसान होता है, अंतिम के एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, 10% बन गया, दशमलव लगाते ही 1,000 हो जाएगा, 1,000 मतलब एक साल में ब्याज मिला, यहाँ पर समय को पहले मेंशन कर दीजिए, आप समय को सबसे पहले कह दीजिए, एक समय हमारा एक साल है। अब इसके बाद वही जो मैंने अभी कराया कि 10% को अगर एक साल के लिए हम अप्लाई करेंगे 10,000 पर, तो आपको 1,000 प्राप्त होगा। अब अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई ऐड कर दिया तो 11,000 रुपए आपका अमाउंट हो गया, जो अमाउंट सेकेंड पीरियड के लिए प्रिंसिपल बन गया, मतलब जो वहां पर एक साल के अंत पर आपका अमाउंट बनकर आया था वही दूसरे साल आपका प्रिंसिपल बन गया। 11,000 है, ब्याज की दर एज इट इज है, दूसरे साल पे हम पहुंच गए, दूसरे साल का मतलब भी एक ही साल होता है, मतलब पीरियड जो अगर हम ड्यूरेशन की बात करें, अवधि की बात करें, तो वह तो एक ही होगी भले हम दूसरे साल में हैं। यहां पर जब इसका 10% करेंगे तो 1100 होगा, 1100 को अगर हमने यहां पर जोड़ दिया 11,000 में, तो 12,100 हो जाएगा जो हमें फाइनल अमाउंट के तौर पर प्राप्त हो रहा है। अब आपको अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है, इस अमाउंट से अपने ओरिजिनल प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, मतलब अगर हम इसमें से 10,000 माइनस कर देते हैं तो 2,100 मिलेगा, या तो पहले साल का साधारण ब्याज दूसरे साल का साधारण ब्याज दोनों जोड़ दीजिए तो 2,100 आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। यह प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम और जो हमारा प्रोसीजर है उसके थ्रू कैसे सोच सकते थे, थोड़ा सा उसको भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसे अगर मान लीजिए मैं साधारण ब्याज में होता, थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में सारी बातें आपको आ जाएंगी। फार्मूला भी आपके पास है, आप फार्मूला लेकर जा सकते हैं, वहां भी इंक्रीमेंट प्रोसेस है। अगर मैं साधारण ब्याज में होता 10% का मतलब मैं कितना लिखता, 10% का मतलब पहले साल के लिए 10%, दो साल की बात की जाए तो यह हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा? 20%। सिंपल सी बात है, अगर हम 10% की बात करेंगे तो पहले साल 10%, दूसरे साल 20%। या हम ऐसे कह दें कि अगर हम 10% पहले साल का निकाल लें जो कि 1,000 होगा, तो मैंने सिंपली यहां पर 1,000 कर दिया, ये पहले साल हो गया फर्स्ट ईयर, दूसरे साल भी आपका 1,000 ही होगा क्योंकि साधारण ब्याज हर साल क्या रहेगा, समान रहेगा। जब मैं यही चीज लेकर चक्रवृद्धि ब्याज में आऊंगा तो मैं कहूंगा भैया कि पहले साल जो साधारण ब्याज था वही चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल समान होता है, लेकिन दूसरे साल ब्याज पर ब्याज मिलेगा, मतलब जैसे 1,000 था लेकिन दूसरे साल इस 1,000 को लेंगे बट इस 1,000 पर फिर से 10% अप्लाई करेंगे, 10% अप्लाई करेंगे, इसका 10% 10 होगा, तो मतलब यहां पर अगर 100 होगा तो इसकी बात अगर करें तो यह 1,100 हो गया, मतलब पहले साल तो 1,000 बट दूसरे साल 1,100, तो कुल मिला के 2,100 रुपए का ब्याज हो रहा है। बस ऐसे सिंपली समझिए कि अगर हम डायरेक्ट की बात करें तो साधारण ब्याज तो 20% होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूंगा तो यह 10+10 मतलब इंक्रीमेंट कंटिन्यूड होगा, 10+10+10 गुणे 10/100, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम इंक्रीमेंट को प्रोसेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि अगर जैसे प्रिंसिपल आपका कितना था 10,000, सिंपल सी बात है, दर आपकी कितनी थी 10% वार्षिक थी, पर एनम थी, और समय आपका जो दिया था वह कितना था, 2 वर्ष था, ठीक है। अब आप देखना ध्यान से कि क्या दिया है इसमें, मैंने कहा कि अगर हम साधारण पर होते तो 10% को हम सिंपली 10% गुणे 2 मतलब 20% मान लेते, जबकि अगर मैं चक्रवृद्धि पर होता तो इस इंक्रीमेंट को देखिए कैसे अप्लाई करता। चक्रवृद्धि के लिए हम 10% को ऐसे सिंपली कह दे कि यह 1/10 होता है, मतलब 10 का प्रिंसिपल होने पर 1 का इंक्रीमेंट 11 हुआ पहली बार, 2 साल की बात है, 2 बार ऐसे कर दीजिए, 10 × 10 100 हुआ, 11 × 11 121 हुआ। मूलधन को यहां ला करके रखिए तो यह आपका 10,000 की तुलना पर हुआ, आपको इसका मान अगर ज्ञात करना है तो गुणा कर दीजिए 12,100 आपका अमाउंट हुआ, इस अमाउंट से अपने मूलधन को घटा दीजिए आपको ब्याज प्राप्त हो जाएगा। मतलब यह सब प्रोसेस अप्लाई किए जाते हैं, यह इंक्रीमेंट का प्रोसेस भी अप्लाई किया जाता है, जो भी आसान प्रोसेस है, मतलब इससे भी चीजें बड़ी इजिली आ जाती है। बट इन सब के अलावा भी हमारे पास एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास तरीका है जिससे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, वह है रेशियो मेथड। अगर हम रेशियो मेथड का यूज करें तो हम चक्रवृद्धि ब्याज के इन प्रश्नों को जो कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए अलग अलग होते हैं बहुत ही इजिली कर सकते हैं। जैसे
अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग प्रकार का एक रेशियो सिस्टम है, उस रेशियो का प्रयोग करके हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को इजीली पता कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर टू ईयर। सबसे पहले मैं आपको रेशियो बता देता हूँ, इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए सब लोग। दो साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का रूल होता है 2:1। अब जो अपना प्रश्न था भाई, इसको आपको दिमाग पे रखना है, जो अपना प्रश्न था उसमें प्रिंसिपल था 10,000, दर थी आपकी 10% पर एनम, और जो समय था आपके पास, जो टाइम था, वो आपका 2 साल था। अब आपको क्या करना है कि हमारे पास मैंने कहा 2:1 का अनुपात है, 10,000 का 10% करिए। 10% किसी का करना आपको बहुत ही तरीके से सीखना होगा, और 1% दो चीज करना सीख लीजिए किसी भी डेटा का, 10% और 1%। अगर इतना करना जान गए तो बहुत अच्छी बात है। जैसे 10% करने के लिए अंतिम के 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे, और 1% करने के लिए अंतिम के 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे। हालांकि मुझे 10% की रिक्वायरमेंट थी, 1 अंक पर दशमलव लगाने पर 1,000 हो गया। फिर इसका 10% करिए, तो इसमें फिर अंतिम पर 1 अंक पर दशमलव लगाएंगे तो 100 होगा। इसका गुणा इससे कर दीजिए 2,000, इसका गुणा इससे कर दीजिए 100, दोनों को जोड़ दीजिए 2,100, आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल गया। कोई भी इस प्रकार का क्वेश्चन होगा जो कि इस रेशियो मेथड पर आराम से किया जा सकता है, एक दो और देख लीजिए जिससे कि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। जैसे मैंने कहा प्रिंसिपल मान लीजिए मेरे पास 8,000 है, ब्याज की दर जो मेरे पास 5% वार्षिक है, और समय अभी हम 2 ही साल के लिए लेकर चल रहे हैं, टाइम पीरियड हम 2 ईयर्स का ले रहे हैं, और हम यहाँ पर भी आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं। आपने कहा सर कि हमारे पास एक रूल है जो कि 2:1 का है, इस 2:1 के बिहाफ पे हम करते हैं। मेरे पास 8,000 था, 8,000 को हम पहले 5% निकालना है मुझे, तो 5% निकालने के लिए आपके पास तरीका है, आप 10% निकालें तो 10% आपका 800 होगा। 800 का भी आधा करने पर 5% प्राप्त होगा, मतलब यह 400 हो जाएगा। अब 400 का फिर 5% करने जब हम गए, सबसे पहले 10% निकाला तो 40 हुआ, 40 का भी आधा कर देने पर 20 हुआ, इसको इससे गुणा किया तो 800 हुआ, इसको इससे गुणा किया तो 20 हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो 820 हुआ। तो 820 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 2 साल के लिए इस डेटा का। तो मुझे लगता है कि इससे मेथड, इससे आसान चीज़ नहीं हो सकती है, आप अपने हिसाब से चीज़ों को रिलेट करिए, तो यह बहुत ही बेहतरीन मेथड है, बहुत ही आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। अब इसी तरह से अगर 3 साल की बात होती तो 3 साल के लिए भी आपके पास, मैं एग्जाम्पल लेकर के चीजों को बता देता हूँ, जो रेशियो बनेगा वह 3:1 बनेगा। अगर कोई भी डेटा हम ले ले, सपोज करिए मैंने एक प्रिंसिपल ले लिया 12,000 रुपये, 12,000 ले लिया, ब्याज की जो दर मैंने रखा यहाँ पर वह भी मैंने यहाँ पर 5% रखा, और समय हमने 3 साल का कर दिया, समय हमने 3 ईयर्स का कर दिया, और 3 साल के लिए मैंने आपसे चक्रवृद्धि ब्याज की डिमांड करी। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने जा रहे हैं फॉर 3 ईयर्स, एंड वी हैव टू गिवन अ रेशियो 3:1, दिस इज द गिवन रेशियो। मतलब आपको इसको तैयार करना है कि यह रेशियो होता है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, ना कोई इंक्रीमेंट प्रोसेस अप्लाई करने जा रहे हैं हम, ना कोई फार्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, ना तो कोई टेबल यूज करने जा रहे हैं, सिंपली हम लोग इस रेशियो का यूज करने जा रहे हैं जिस पर 5%। तो 5% निकालना है, तो आपने पढ़ा भी कि सबसे पहले 10% किया होता तो 1200 आता, आधा कर देंगे तो 5% होगा, मतलब 600 होगा। अब इस 600 का फिर 5% अगर हम करेंगे तो फिर वही आधा करते तो, मतलब 10% करते तो 60, आधा करेंगे तो 30, फिर से अगर हम इसका 5% करेंगे तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम 10% करते तो 3, आधा करते तो 1.5 होता, 1.5 होता। इसका इससे गुणा करेंगे 1800, इसका इससे गुणा करेंगे 90, प्लस इसके इसको गुणा करने पर कोई चेंज नहीं 1.5, तो 1800 देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, 91.5, 1891.5 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाएगा, इस अमाउंट के लिए इतने रेट से इतने टाइम के लिए यह आंसर हो जाएगा। अब देखना, इसी तरह से अगर मुझसे 4 साल के लिए पूछा तो 4 साल के लिए भी हम लोग बता सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, आप देख लीजिए, जो कि होगा 4:6:4:1, यह आपका रेशियो है, इसको अप्लाई करके चलिए। देखिए कैसे करेंगे, फिर वही चीज, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक प्रिंसिपल है, सपोज करिए वह आपका 20,000 के बराबर है, ब्याज की दर अगर सपोज करिए हमने 10% ले लिया, समय हम यहाँ पर 4 वर्ष ले रहे हैं, समय हम टाइम 4 वर्ष ले रहे हैं, और आपसे हम कह रहे भैया चक्रवृद्धि ब्याज फाइन करिए, आप 20,000 का 10% करना शुरू करिए, तो 10% अगर हम करते तो यह 2,000 होता, 2,000 का फिर 10% अगर मैंने प्लान किया तो यह 200 होता,
फिर से 10% अगर प्लान किया तो यह आपका 20 होता, और फिर से आपने 10% प्लान किया होता तो 2 होता। समझ रहे मेरी बात को? देखिए 20,000 का 10% एक अंक हटाया 2,000, फिर एक अंक हटाया 200, फिर एक अंक हटाया 20, और फिर एक अंक हटाया तो 2 हुआ। अब जो प्रोसेस था उसी आधार पर चलिए, इसका इससे गुणा किया 8,000, इसका इससे गुणा किया तो 1,200, इसका इससे गुणा किया तो 80, इसका इससे गुणा किया तो 2, सबको जोड़ दिया चक्रवृद्धि, 8 में से एक जुड़ा तो 9,282, 9,282 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 9282 इज द करेक्ट अमाउंट ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर दिस गिवन डेटा। इस अमाउंट के लिए, इस प्रिंसिपल के लिए इस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, बता सकते हैं। होप सो ये चीज आपको क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी कैसे इसको फाइंड किया, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है, आपको ये बातें कंफर्म वे में समझ में आई होगी। एक चीज हमको और ध्यान देना है, मैं आपको बता दूं, एक चीज मुझे और ध्यान देना है, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे अभी तो मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं चीजों को, लेकिन हमें एक बहुत ही स्तरीय प्रश्न मिलता है, इस कॉन्सेप्ट से आप उसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे मुझे बीच के वर्षों का अगर मुझे चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हो, जैसे अगर मैं कैलकुलेशन करते रहा, मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, मान लीजिए मैं ऐसे ही प्रश्न आपको दे रहा हूं, मैंने कहा कि हमारे पास 15,000 रुपए है और मेरे पास ब्याज की दर सपोज करिए 20% वार्षिक है, पर एनम है, और हमको दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए क्या होगा। दूसरे वर्ष का मतलब फॉर द सेकेंड ईयर, यू नीड टू फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। अब देखिए एक चीज ऐसा होगा कि जैसे हमसे कहा जाए कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो फर्क है, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है? मान लीजिए मेरे पास एक प्रिंसिपल है, मैं उसको इन्वेस्ट कर रहा था, पहले साल के बाद अमाउंट कुछ हुआ A1 हुआ, दूसरे साल के बाद अमाउंट कुछ हुआ A2 हुआ, तो जो फाइनल अमाउंट है दिस इज आफ्टर 2 ईयर, ये हो गया आफ्टर 2 ईयर, मतलब 2 साल के लिए, यह आपका हो गया 2 वर्ष के लिए। लेकिन दूसरे साल की अगर केवल बात किया जाए तो आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 2 ईयर का जो ड्यूरेशन है, जो गैप है, दिस इज फॉर 2 ईयर है, मतलब ओनली फॉर 2 ईयर, मतलब यह दूसरे वर्ष का समय है, दूसरा वर्ष है, आप इसको कह सकते हैं दिस इज द सेकेंड ईयर, यही दूसरा वर्ष है। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क है। कोई कोई इसको जब करते हैं तो कहते हैं कि पहले हम 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दें, इसमें से 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के दोनों के बीच अंतर कर दें, डिफरेंस कर दें, आंसर आ जाए। तो हम ऐसा ना करके हम इसके लिए एक टर्म, एक रूल आपको समझाते हैं, उसको दिमाग में रखना तो सारी बातें कन्फर्म हो जाएगी। जो रेशियो मैंने पढ़ा अभी, 2 साल के लिए रेशियो क्या पढ़ा, 2:1, और 1 साल के लिए रेशियो हमने पढ़ा क्या, केवल सिंपली कोई रेशियो नहीं, 1 ही मानकर चलिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कर दीजिए, 2 में से 1 घटा 1, अनुपात 1 हो गया। दिस इज द रेशियो फॉर 2 ईयर, फॉर सेकेंड ईयर आप कह सकते हैं दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात है, 1:1 अगर हम लगा देते हैं तो यह दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात है, मतलब डायरेक्ट हमको केवल इस समय का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं। आपका जो प्रश्न था उसमें 15,000 का मान, 15,000 का प्रिंसिपल, 20% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज हमसे इसने पूछा है दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष का मतलब फॉर सेकेंड ईयर हमसे इसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, ना कि 2 ईयर का पूछा है, इसलिए हम इस समय रेशियो अप्लाई करेंगे 1:1 में आप जैसे अभी तक करते आए हैं उसी तरह से करिए तो आपको जो है दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। 15,000 का 20% सोचिए कैसे निकलेगा भाई, 10% निकालना आता है, 10% निकालते तो 1500 आता, लेकिन अगर हम 20% निकालेंगे तो डबल करेंगे तो 3000 हो जाएगा, फिर हम 20% निकालेंगे, 10% निकालते तो 300 होता, इसका डबल करेंगे तो 600 होगा, कोई गुणा करने की जरूरत नहीं, सिंपली या 3000 हुआ, सिंपली या 600 हुआ, दोनों को जोड़ दिया तो 3600 इस क्वेश्चन का सही आंसर आया, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज है दूसरे साल का। इसको अगर आप एनालाइज करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सोच सकते थे, जैसे ध्यान दीजिए कि 15,000 प्रिंसिपल था, 20% की ब्याज दर थी और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। अगर हम लोग यहां पर दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज को कुछ ऐसे करते जैसे हम फर्स्ट ईयर की बात करते, तो फर्स्ट ईयर तो आपको 15,000 का 20% करने से डायरेक्टली यहां पर 3,000 प्राप्त होता, दूसरे साल अगर हम जाते हैं तो आपको पता है कि यह तो आता ही आता है,
प्लस इस ब्याज पर भी ब्याज आता है, मतलब इसका फिर से 20% किया जाता तो 300 का दूना मतलब 600 हो जाता, तो यह 3600 दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता, जो कि आप इस तरह के टर्म से याद कर सकते हैं। इससे आपको फायदा एक और होगा, जब मैं टाइम को हाफ कर दूंगा, दो तिहाई कर दूंगा, जैसे कि 2 साल कुछ महीने, 3 साल कुछ महीने, 1 साल कुछ महीने, तब भी आप इस प्रोसेस का यूज कर सकते हो। तो आपने दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज देखा कि कैसे निकाला गया, ऐसे हमसे तीसरे साल का पूछ सकता है। मान लीजिए एक प्रिंसिपल हमको दिया कि 20,000 है, ब्याज की दर इसने हमको दे दिया 15% है, और हमसे इसने कहा तीसरे वर्ष का, हमसे इसने कहा तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमको बताइए। अब फिर तीसरे वर्ष को भी समझ लीजिए क्या फर्क है तीसरे वर्ष और तीन वर्ष। तीसरे वर्ष और तीन वर्ष में वही फर्क है जैसे अभी दूसरे वर्ष और दो वर्ष में था, कि आपका कोई निवेश है, आपने उसको निवेश किया, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट A1, आफ्टर 2 ईयर अमाउंट A2, आफ्टर 3 ईयर अमाउंट A3। अगर हम यहां से इस अमाउंट की बात करें, मतलब इस प्रिंसिपल से इस अमाउंट के डिफरेंस की बात करें, जो एक गैप में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर या 3 साल का होगा। लेकिन अगर केवल तीसरे साल की बात है, तो दूसरे साल के एंड और तीसरे साल के एंड का जो डिफरेंस है, दिस इज फॉर 3 ईयर या 30 साल का, तीसरे साल की बात है, तीसरे साल के लिए फॉर 3rd ईयर है, या आप इसको 3rd ईयर कह सकते हैं। मतलब हमको जो काम करना है फॉर दिस करना है, और जनरल बिहाफ पर जब लोग करते थे तो 3 साल के अमाउंट से 2 साल के अमाउंट को माइनस करते थे, तो जा करके हम तीसरे साल का अमाउंट फाइन कर पाते थे। इसके लिए भी हम उसी प्रकार से रेशियो को प्लान कर सकते हैं। देखिए ध्यान से कैसे, आपने 3 साल का रेशियो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 3:3:1। 2 साल का रेशियो पढ़ा था, 2:1, अंतर कर दीजिए बस, 1:2:1, 1:2:1, यह अनुपात आपके तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज के लिए काम करेगा। आप लोग देखो कैसे काम करेगा, आपके पास देखिए क्या है, हमने कहा भाई इस अनुपात को लगाइए, 1:2:1, 20,000 का 15% करिए, 20,000 का 15%, 15% करने के लिए जैसे 10% करते तो 2,000 आता, और 15% है तो 10 भी इन्वॉल्व है, 5 भी इन्वॉल्व है ना, तो 10 का मतलब 2,000 था, तो 5 का मतलब 2,000 का आधा 1,000, मतलब यह 3,000 होता, 3,000 होता 15%, समझ रहे ना, 20,000 का 15% 3,000 होता। अब इसी तरह से अगर हम फिर इसका 15% करने गए, तो 15% मतलब पहले 10% करते तो 300 का आधा 150, मतलब यह 450 होता। अब 450 का भी अगर मैं 15% करने गया, तो पहले मैं 10% करता तो 45, और 45 का आधा 22.5 होता है, इसको भी जोड़ देते तो 5, 5 2 7, 4 2 6, 67.5 हो जाता। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कैसे किया जा रहा है, 10% करते तो 45, और 5% 45 का आधा मतलब 22.5 को जोड़ते तो 67.5 हो जाता। सबको जैसे प्रोसेस है उस हिसाब से करिए, तो यह 3,000, इसको इसके साथ किया तो 900, और यह तो एज इट इज 67.5 है, तो अब हम प्रत्येक को ऐड कर दें तो 3,967.5, यह आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाता, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाता, जो कि आप अगर सही से कंसेप्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो मुश्किल से 5 सेकंड 10 सेकंड का प्रश्न बन जाता। एक बार दिमाग में रखने की, याद करने की, तैयार करने की जरूरत है, सब चीजें स्पष्ट हो जाती। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमसे कोई डेटा देता, मान लीजिए मुझे देता डेटा, या सपोज करिए हमको डेटा दिया इसने 50,000 का, सॉरी 50,000 का, और हमको ब्याज की दर दे दिया इसने 4% वार्षिक, और हमसे कहा चौथे वर्ष का। फिर वही चीज है, आप देखिएगा चौथे वर्ष और 4 वर्ष में फर्क है, फिर वही चीज है, चौथे वर्ष और 4 वर्ष के फर्क को थोड़ा समझिए, कि मेरा ये प्रिंसिपल था, मैंने इसको इन्वेस्ट किया, आफ्टर 1 ईयर यू गेट द अमाउंट A1, A2 आफ्टर 2 ईयर, A3 आफ्टर 3 ईयर, A4 आफ्टर 4 ईयर। अगर हम यहां से इस अमाउंट को फाइन करते और इस अमाउंट से इस प्रिंसिपल को डिफरेंस करते, अंतर करते, तो हमें 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता। लेकिन अगर हम चौथे साल के एंड A4 से तीसरे साल के एंड A3 का डिफरेंस करते तो हमें 4th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता, 4th ईयर का हमें इंटरेस्ट
फाइन होता। तो हमें तो चौथे ब्याज साल की जरूरत थी, तो चौथे साल के लिए आपके दिमाग में तो यही चल रहा होगा कि हम 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, हम 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, दोनों का अंतर कर दें तो चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हमको पता चल जाए। तो क्यों ना हम इसी को रेशियो पर ला लें। अगर मैं इसको रेशियो पर लाऊंगा तो रेशियो देखिए क्या बन जाएगा, 4 साल के लिए आपने पढ़ा 4:6:4:1, 3 साल के लिए आपने पढ़ा 3:3:1, अंतर कर दीजिए तो 1:3:3:1, यह आपका डिफरेंस है। तो अगर आपसे चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज किसी क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आप इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। अब जैसे जो प्रश्न आपको दिया गया है, जो डिजिट आपको दिया गया है, उसमें ध्यान दीजिए कि किस प्रकार की बात की गई है। अनुपात आपका 1:3:3:1 बनकर आया है। 50,000 का मान है, 4% हमें कैलकुलेट करना है। तो 4% के लिए आपको दिमाग में रखना है भैया 1% क्या होगा, 1% 500 होगा, दो अंकों पर दशमलव लगाएंगे, 500 × 4 कर दें 2000 हो गया ना, 5% हमने किया तो इसका 5% 50,000 का 2000 हो गया। इसी तरह से फिर हम 5% प्लान कर रहे हैं तो ये दो काम कर सकते हैं, सॉरी 4% है, एक सेकेंड, आप 4% की बात कर रहे हैं, मैंने कहा सबसे पहले मैंने 1% निकाला जो कि 500 हुआ, जो कि 500 हुआ गुणे 4 कर दिया तो यह 2000 हुआ। अगली बार भी हम 4% करने जा रहे हैं, हम 4% करने गए, हम सबसे पहले 1% निकालेंगे तो 20 होगा, 20 को 4 से गुणा कर देंगे 80 होगा, फिर 4% निकालने गए, फिर 1% निकालेंगे तो देखिए ध्यान से कितना होगा, 0.8 होगा, 0.8 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 3.2 होगा, फिर हम 4% निकालने गए, 4% निकालने गए तो यह 0.032 होगा। कैसे, अगर हमसे 10% कहता तो हम एक अंक के बाद दशमलव लगाते, मतलब 0.32 होता। जब हमसे हमको अगर 1% निकालना है तो दो अंकों के बाद दशमलव लगाना है तो 0.032 होगा। और इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 2 1.128 आपका यहां पर इसका 4% हो जाएगा। अब आपको जो कंसेप्ट था, देखिए इतना आसानी से हम कभी नहीं कर पाते, भले आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा, इसमें भले ही न्यूमेरिकल आपका बड़ा हुआ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्रश्न आपके लिए उतना ही इफेक्टिव है जितना आप समझ पा रहे होंगे। देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9.6 और फाइनली 0.128 आपको सामने लिखा भी है। सबको अगर जोड़ दिया 2000 है, 240 है, 9.6 है और 0.128 है, सबको जोड़ा तो 8 है, 2 है, 7 है, 9 है, 4 है, 2 है, 2 है, तो ये आपका 2249.728 यह चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 50,000 के निवेश पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर पर। होपफुली यह सेशन आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा, क्या प्रोसेस था, क्या कॉन्सेप्ट था, मैंने आपको बेहतरीन बताने की कोशिश करी। बाकी रवि सर आपको सारी जानकारी ऊपर दे ही रहे हैं कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसीजर है, आप सब इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसके लिए आप अगर संस्थान से संपर्क करना चाहते हैं तो जो नीचे हमारा सेशन जो पट्टी चल रही है कॉन्टैक्ट की, आप उस पर डिस्कशन करके अपनी जो है इनरोलमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मैंने जैसे आपसे बताया कि इसके दूसरे सेशन के साथ, जिसमें मैंने एक और सीट आपकी रेडी करी है जो कि एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट होगा जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना किसी भी एक परीक्षा के लिए होता है, मतलब वह एक सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब मैं उसको लेकर के अगली क्लास में आपके साथ रहूंगा, आज के लिए इतना ही करता हूँ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।